नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के नगर क्षेत्र में, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं साई अविनाश कुमार। आप सभी इनसे परिचित भी होंगे। ऐसे में इनका परिचय आपको बता दूं कि ये एक समाज सेवी हैं। पिछले कई वर्षों से समाज की सेवा में अपनी सक्रिय भागीदारी हर समय निभाते रहते हैं। तो अभी वर्तमान में जो कोरोना की महामारी है, साथ ही साथ जो देख रहे हैं कि यहाँ नगर क्षेत्र में जो समस्या है, जो पानी की समस्या, जो बाढ़ की समस्या, उन सब को लेकर के भी लगातार सक्रिय सहयोग देते हुए काम करते रहते हैं। तो आपका अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपके इस चौपाल समाचार के माध्यम से मैं आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर के आवाज़ को जैसे आपने उन्हें बुलंद करने का काम किया, जैसे मैंने देखा कोरोना काल में भी, बाढ़ काल में भी, और भी कई मुद्दों को लेकर के, जनहित के मुद्दों को लेकर के आप लोग जिस तरीके से आगे बढ़े हैं और जिस प्रकार से आपके माध्यम से सरकारी महकमों के माध्यम से जो जनता को लाभ दिलाने का आप लोगों ने काम किया है, इसके लिए मैं तमाम मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्रवासियों की ओर से आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, अभी मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है आप उससे बखूबी वाकिफ हैं, और अपने दर्शकों को भी ये चीज़ कहना चाहेंगे कि आज जो हम लोग बात करने यहाँ बैठे हैं वो विशेषकर मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो समस्या है या जिस पर काम करना है, जिसको लेकर आगे विधानसभा चुनाव 2020 में लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी रखेंगे, जो जनता से जिस मामले में जाकर वोट मांगेंगे, उन्हीं सब मुद्दों को अभी हम चर्चा करेंगे, जिससे आप भी रूबरू होंगे कि मुजफ्फरपुर की वर्तमान स्थिति क्या है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव 2020 में किन किन मुद्दों को लेकर लोग आएंगे जनता के बीच, और हमारे अविनाश जी भी उस बीच में जाने वाले हैं, जो इन्होंने पहले भी जानकारी मिली है लोगों के माध्यम से भी और इनके माध्यम से भी मिली है कि ये विधानसभा चुनाव जो अभी आने वाला है 2020, उसमें अपनी ये उम्मीदवारी रखेंगे। पहले भी इन्होंने अपनी बात रखने के लिए जनता के बीच में आए थे, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। अभी अविनाश जी आप बताएं कि मुजफ्फरपुर में जो आज़ादी के बाद से अब तक जो विकास का क्रम चला है, उसमें मुजफ्फरपुर आपके नज़र में किस स्थिति पर अभी है वर्तमान में? देखिए, अभी तक जो स्थिति मैं देख रहा हूँ अपने, चूँकि मेरा यह जन्म स्थल है और मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ मुजफ्फरपुर शहर को, तो मैं आपको बता दूँ कि मुजफ्फरपुर शहर की जो विकास की जो बातें कही जा रही है, कई बड़े नेताओं के माध्यम से बातें आती रहती हैं, उस पर अगर आप हमारी राय जानेंगे तो मैं अभी जो वर्तमान समय में जो विकास की बातें कही जा रही है, उससे मैं पर्सनली तो कहीं से भी संतुष्ट नहीं दिखता हूं। और रह गई बात कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि या किसी भी आला अधिकारियों की नियुक्ति हमारे मुजफ्फरपुर में अगर होती है या किसी भी क्षेत्र में होती है, तो वह इसी के लिए होती है ना कि भाई आप नागरिकों की सुविधाएँ मुहैया कराएँ, नागरिकों की सुरक्षा की बात करें। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में मुझे जैसा लगता है कि लगभग 25 सालों से विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ घोटालाबाजी चल रही है, भ्रष्टाचार से लिप्त योजनाएं आ रही हैं, जिसका परिणाम आज आप देखने को मिल रहा है कि आज जो हमारा पूरा शहर जल जमाव की समस्या को लेकर, मतलब एक तरह से बहुत मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है हमारे शहर के लोग, ये जो मानसिक प्रताड़ना से जो गुजरने की जो नौबत आई है वह कोई एक दिन की नौबत नहीं है। मुझे याद है कि जब 95 के दशक में हमारे यहाँ अभी हमारे पूर्व विधायक हैं, वो जब हमारे 95 में बनकर आए थे, उस समय से जो उन्होंने शुरू किया
गली गली में जाकर दो दो फीट तीन तीन फीट की गलियों में भी सड़कों का निर्माण शुरू किया। उस समय लोगों ने उनको विकास पुरुष का संज्ञान दिया, लेकिन आज वही विकास की जो धाराएं उस समय चली, जो गलत दिशा में चल रही थी, लोग समझ रहे थे कि हमारे लिए घर के सामने रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये नाला का पानी जाएगा कहाँ, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। और उनको विकास पुरुष का संज्ञान देते हुए लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार, चार चार बार यहाँ का प्रत्याशी के रूप में, उनको विधायक के रूप में चुनने का काम किया। और अभी वर्तमान में जो हमारे नगर विकास आवास मंत्री जी हैं, जो हमारे सौभाग्य से हमारे शहर के इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उनको भी दो बार मौका दिया, लेकिन क्या हुआ, आज देख लीजिए शहर का 80% इलाका जल जमाव के संकट से जूझ रहा है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से नुकसान 2017 के बाढ़ में हुआ था, जिसमें मात्र वार्ड नंबर 46, 47, 48, 49 ही ग्रस्त हुआ था, जितनी नुकसान नहीं थी उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान अभी बिना बाढ़ आए हुए समय में ही, आज पूरे शहर के लोगों का अगर आंकड़ा निकालेंगे तो आपको उससे ज़्यादा नुकसान दिख रहा है। ये बहुत बड़ी अविनाश जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैंने जो बात आपसे जाननी चाहिए थी कि आप चूँकि बहुत दिन से मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, तो जो विकास का क्रम चला है उसमें कुछ तो बदला होगा, जो आपके नज़र में क्या है, कुछ जो अच्छाई की बात पहले करें, हमारे दर्शक जान लें कि मुजफ्फरपुर में ये चीज़ अच्छी बात है, आगे फिर हम लोग जानेंगे कि समस्या है और उसका निदान क्या है। तो एक बार बताएं कि आपके इस मुजफ्फरपुर में आपके नज़र में क्या कुछ अच्छा है, जिसको आप या वो विरासत की देन है या इस यहाँ की भौगोलिक स्थिति या जो भी कुछ है उसको एक बार बताने का प्रयास करें। देखिए, हमारे मुजफ्फरपुर शहर में विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इसका मूल मंत्र ये है कि जब आप पुराने हिस्ट्री में उलटेंगे जा करके, तो आपके शहर के अंदर में मोती झील नाम पड़ना, समझिए कि वह कितना बड़ा विकास का वो केंद्र था जिसका नाम मोती झील, मोती का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि बहुत बहुमूल्य चीज़ है। उसी तरीके से हमारे शहर के अंदर में चतुर्भुज स्थान, जो जगह, जो मंदिर, जो बाबा चतुर्भुज जी का मंदिर है, जो कि थुमहा मठ, यहीं से बगल में, तुर्की के बगल में एक थुमहा मठ है, उसके बगल के पोखर से निकले हुए तीन मूर्ति, आप सोचिए तीन चतुर्भुज जी का मूर्ति, जो एक हरिहरनाथ में स्थापित की गई, एक इसी चतुर्भुज स्थान मंदिर में स्थापित की गई और एक थुमहा मठ में स्थापित की गई है। आप समझ सकते हैं कि जो हरिहरनाथ में बैठे हुए चतुर्भुज जी हैं, उनकी कृपा दृष्टि इतनी हुई कि आज हरिहरनाथ सिर्फ और सिर्फ राज्य के अंदर में नाम नहीं कमाता बल्कि विश्व स्तर पर नाम कमाता है। लेकिन हमारा मुजफ्फरपुर में जो चतुर्भुज जी का स्थापना हुआ, उसकी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति रही है, यहाँ विकास क्या रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ विकास का गंगा बहने की बात थी, तभी तो हमारे यहाँ SKMCH जैसे प्रोडक्ट हमारे यहाँ रहे, आज भी हैं, काटी थर्मल पावर हैं, हमारा IDPL था, हमारा यह जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बेरा इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारी जो है किसी न किसी जनप्रतिनिधि की देन थी। वो हमारे एक मजदूरों के मसीहा थे, मुजफ्फरपुर की विकास की आवाज़ थे, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी, जिनके माध्यम से ये सारी विकास की परिकल्पना जो आज भी दिख रही है, वो अफसोस वो अलग बात है कि आज के जो जनप्रतिनिधि हैं इस विकास की रफ्तार को बढ़ा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन डुबोने में लगे हुए हैं। और मैं एक मतलब हम समझते हैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना शायद मुझे जरूरी लग रहा है, इसलिए मैं कहना पड़ रहा है मुझे कि आज विकास तो हो रहा है मुजफ्फरपुर में, लेकिन क्या विकास हो रहा है वो मैं आपको उंगली पर गिना सकता हूँ। आज जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनकी विकास को देख लीजिए, जो अपनी पूरी जीवन काल एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिता दिया, लेकिन जब उन्होंने उनको जनता ने विधायक बनाने का काम किया और सौभाग्य से जब वो नगर विकास आवास मंत्री बने, तो उनका सेक्टर देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर से उठ करके वो होटल मैनेजमेंट सेक्टर में आ गए, वो एजुकेशन सेक्टर में आ गए, वो हॉस्पिटलाइजेशन के सेक्टर में आ गए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सारी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ अपनी विकास तो किए, लेकिन जनहित के विकास के बारे में उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये विकास हो रही है मुजफ्फरपुर के अंदर में जी। अविनाश जी, अब आप मुझे बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि मुजफ्फरपुर में अब आ रहे, आपने कहा पहले का ये स्थिति था, अभी जो विकास की संभावना है जिस पर आगे काम होना है वो कौन कौन सी आपको नजर आ रही है वो बताएं। देखिए, अभी
मुजफ्फरपुर की विकास की बात जहां तक कहें तो मैं सबसे पहले बता दूं कि पहले तो मुजफ्फरपुर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए, उसके बाद हम विकास की बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हमारे दुर्भाग्य यह है कि मुजफ्फरपुर की मूलभूत सुविधाएं ही मुजफ्फरपुर को नहीं मिल पाई है। जिसका सीधा उदाहरण मैं बता दूं, यातायात में आप ले लें, आज किसी भी रोड में आप चले जाएं, जाम की समस्या से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। किसी कितना भी सड़क का चौड़ीकरण की बात हो रही है, सड़क का नवनिर्माण की बात हो रही है, लेकिन आप चले जाइए, मैं समझता हूँ 80% सड़क का हाल आज भी बदहाल बना हुआ है। 80-90% सड़क मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र का आज भी बदहाल बना हुआ है, जो आवश्यकता में है। नल जल योजना में चले जाइए, उसमें भी वही हालत है कि जो हमारे लगता है हमको पूर्वज के ज़माने के समय का जो हम लोहा का पाइप जो देख रहे हैं शहर के अंदर में, उससे जिस तरीके का पानी आ रहा है उस तरीके का भी पानी ये नया जो जल योजना का जो पाइप बिछाया गया है वो पानी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कभी मोटर खराब तो कभी कुछ खराब, कभी कुछ खराब, कभी कुछ हो रही है, जनता का शोषण वहाँ भी चल रहा है। और भी बहुत सारे आवश्यकताएँ हैं, जैसे शहर का सबसे बड़ा आवश्यकता, किसी भी घर की निर्माण से पहले दो मुद्दा को देखा जाता है, एक कि हमारे घर के अंदर के जल की निकासी कहाँ होगी, दूसरा हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है वो है शौचालय, जिसकी व्यवस्था हम पहले करेंगे तभी जाकर के हम कुछ काम आगे कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे मुजफ्फरपुर शहर को जो ये दो चीज़ की आवश्यकता है, इस दोनों चीज़ों में ये मुजफ्फरपुर फेल है, क्योंकि न तो नालों का पानी का कहीं कोई निकासी नहीं है। आप पूरे शहर का नाला को आप देख लीजिए, आपको कहीं कोई निकासी नहीं मिलेगा। हाँ, पूर्वजों के द्वारा बनाया गया जो नाला निकासी का जो सुविधाएं थी, जो जाल बिछाया गया था, वह आज दुर्भाग्य से वह बंद पड़ा हुआ है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहता हूँ कि ये केदारनाथ रोड जो गरीब स्थान मंदिर और केदारनाथ रोड के पास जो आप देख रहे हैं, जो कल्याणी तरह आती है के पास आती है, वह एक बहुत बड़ा नहर के रूप में वो नाला था, मतलब इतनी बड़ी नाला थी जो लगता था कि एक नहर चल रही है। और आज दुर्भाग्य से वहाँ पर लोगों ने मकान बना लिया, वहीं के एक बुजुर्ग जो अपनी पूरी जवानी जो है बुढ़ापे तक ले आए और आंदोलन करते रह गए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मेरी जानकारी में है कि उस बुजुर्ग ने कई बार फंड लाने का काम किया, डीएम को फंड ला करके दिए और डीएम साहब उस फंड का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए और वो नहीं बन पाया। तो कहने का मतलब यह है कि पुरानी जो जाल बिछी हुई थी जल निकासी को लेकर के, वह आज सारा जगह बंद पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि भाई नाला का चौड़ीकरण के जगह पर पतला ही होता जा रहा है, जहाँ भी देखिए वहीं। तो ये सारी जो आवश्यकताएं की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति तो अभी हो ही नहीं रही, तो हम विकास की क्या बात करेंगे। अभी जो हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया है, इस पर जब आप चर्चा करेंगे तो मैं इस पर बहुत लंबा बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में इतना ही कह दूँ कि पहले मूलभूत आवश्यकताएँ पूर्ति कर दें हमारे नेतागण, तब मैं समझूंगा कि हम विकास की बात करने के लिए बैठे हैं। अभी मूलभूत आवश्यकता ही नहीं पूरी हुई है जी। अविनाश जी, आपने अभी पहले की स्थिति भी बताई, वर्तमान भी समस्या बताया आपने, अब मुझे आप बताएं आपके विचार में इन समस्याओं के कारण क्या है, जिसे वर्तमान में आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, वो समझें कि ये इस कारण से इसका विकास रुका हुआ है, वो एक बार बताएं। देखिए, इन सब के पीछे जो कारण है वो एक ही है कि कोई भी समाज का कार्य तभी संभव हो सकता है जब उसके करने वाले के मानसिकता में समाजवादी शब्द कम से कम उसके अंदर में हो। समाजवाद शब्द से भरा हुआ अगर उनका मानसिकता नहीं होगा तो वह कभी भी किसी भी समस्या का निदान नहीं निकाल सकते हैं। और आज दुर्भाग्य यह है कि माननीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के बाद इस शहर को कोई समाजवादी सोच के व्यक्तित्व ने नेतृत्व नहीं किया, जिसका परिणाम है कि आज पूरा शहर जो है मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता इस मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में काम कर रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन हाथ जोड़कर करना चाहता हूं कि पहले आप अपनी मानसिकता को सामाजिक नेतृत्व करने जैसा बनाएं, समाजवाद की जो अलख जगाने की जो बात होती है उस तरह की मानसिकता आप बनाएंगे, तभी जाकर के आप शहर के अंदर में कुछ भी विकास कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्यों नहीं हो पा रही है पूरा, उसके पीछे एक ही रीजन है कि यहाँ जितने भी लोग इस शहर में आए
खासकर मैं 95 से मैं एकदम आंकड़ा देख रहा हूँ, 95 में एक ऐसे साहूकार ने यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का काम किया जिस साहूकार का एक ही इतिहास रहा है कि वह MRDA के माध्यम से कई योजनाएं डेली लिखते थे और निकालते थे, लेकिन उसकी काम की नज़रिया ये होती थी कि शहर आज डूब रहा है, लेकिन उनकी फायदा ये हुई कि वो उस MRDA के कमीशन खा कर एक बहुत बड़े साहूकार बन गए। आज दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि एक जमींदार हमारे नेतृत्व कर रहे हैं जिनके बारे में मैंने एक ही लाइन बताया कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर से उठ करके आज कितने सेक्टर में पहुंच चुके हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर को किसी भी तरह का विकास का मूलभूत सुविधा नहीं दे पाए। तो यानी पूंजीवाद से कभी विकास नहीं हो सकता है समाज का, समाज का जब भी विकास हो सकता है तो समाजवाद के तरीके से हो सकता है। अविनाश जी, आपने अपने विचार को जो रखा है हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से दर्शकों के सामने, तो दर्शकों को भी एक बार कहना चाहेंगे कि आप अपने, चूंकि हमारे सभी दर्शक बुद्धिजीवी हैं, इस समाज को देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर को देख रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करें कि अविनाश जी से ये और प्रश्न पूछने चाहिए थे मुझे, और हम ये आशा रखेंगे कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का हम जवाब पुनः इनसे लेकर आप तक पहुंचाने का भी हम आगे भी प्रयास करेंगे। तो अभी तक तो अविनाश जी आपने बताया जो क्या क्या स्थिति है वर्तमान में, अब चूंकि आप भी विधानसभा चुनाव में आगे आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लगभग आपने मन बनाया है, तो इस परिस्थिति में आपके मन में क्या कार्य योजना है जो हमारे दर्शकों के माध्यम से एक विशेषकर अपनी जनता तक पहुंचाना चाहेंगे, जहां से वो आपको एक बेहतर उम्मीदवार के रूप में मान सके, जिससे कि मुजफ्फरपुर का भी कल्याण हो और वो आप पर भरोसा कर सके, तो इसमें क्या आप बताना चाहेंगे, क्या आपके यहाँ कार्य योजना क्या है आपके मन में? देखिए, हमारे मन में इतना ही कार्य योजना है कि जब व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम, शारीरिक रूप से सक्षम और मानसिक रूप से सक्षम बन जाता है तो विकास की धारा खुद ब खुद चलने लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता दे कि अगर कोई रिक्शा चालक जो जिंदगी भर रिक्शा चलाते चलाते अपने घर के चलाता है, लेकिन अगर सौभाग्य से उसका बेटा अगर IAS बन जाए, IPS बन जाता है, तो देख लीजिए कि रातों रात उसके पूरा जीवन शैली बदल जाता है, यानी विकास आ जाती है। तो हमारी योजना यही है कि मूलभूत योजना है कि सबसे पहले हम लोगों की मानसिकता, जो मानसिकता आज के डेट में शिक्षित समाज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी मूलभूत है, उसके लिए हम लोग प्रेरणा देने का काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि, यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की योजना बनाएंगे। जब ये तीन योजना से हम अगर तमाम शहरवासियों को, तमाम विधानसभा क्षेत्रवासियों को अगर संपूर्ण कर देंगे तो ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। और रह गई बात सामाजिक विकास की, बात जहाँ तक करें तो सबसे पहले विकास का मुद्दा ये होना चाहिए कि हमें तमाम जितने भी सरकारी स्कूल से लेकर और प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें एक ऐसी विचारधारा को उत्पन्न करने की ज़रूरत है, ऐसी विचारधारा को लाने की ज़रूरत है कि हमारे मुजफ्फरपुर क्षेत्रवासी सबसे पहले तो शिक्षा के मामले में अव्वल आ जाएँ। उसके बाद आता है स्वास्थ्य के मामले में, तो जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन हैं, जो आज व्यापारीकरण चल रहा है, हॉस्पिटल के नाम पर जो व्यापार चल रहे हैं, उनको भी मुझे बताना है कि आप हॉस्पिटल व्यापार करने के लिए नहीं चलाएं बल्कि सेवादारी करने के लिए चलाएं, क्योंकि जब तक आपके अंदर में सेवादारी नहीं घुसेगी तब तक आप नहीं अपनी सेवा दे पाएंगे ढंग से और तब तक समाज को अच्छे परिणाम नहीं दे सकते हैं। तो हमारा विकास का एजेंडा यही है कि हम लोगों को शिक्षा और साथ ही साथ स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर लगाएंगे, और साथ उसके बाद अब आइए मूलभूत सुविधा में, जैसे आप जल जमाव का संकट जो आप देख रहे हैं, ये अभी वर्तमान में, चूंकि ये इस पर फोकस मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि चूंकि वर्तमान में हम जूझ रहे हैं, जिसका निदान हम समझते हैं मिनटों में हो सकता है, वो ऐसे कि मैंने पहले भी लिखा है और बोला है, कई जनप्रतिनिधियों को भी मैंने बोला है और मैं अपने कार्यकाल में तो खैर वो सबसे पहला फोकस करूंगा कि जितनी भी नाला का निर्माण होता है उन सारे नाला के निर्माण में कुछ दायरे पर, ये तो हमारे एक्सपर्ट तय करेंगे कि 30 फीट हो, 40 फीट हो या 20 फीट हो या 50 फीट हो, कुछ ना कुछ सीमित दायरे पर कहीं ना कहीं हम लोग कलवर्ट बनाने का काम करेंगे, जो कलवर्ट हमारा सोखता के रूप में भी होगा और कचरा का भी केंद्र बिंदु होगा। यानी अगर सपोज कीजिए कि हर 40 फीट पर अगर हम एक कलवर्ट बनाते हैं, जिस कलवर्ट में हमारा
पानी जाके सोखता के रूप में भी काम करेगा, और कचरा का जो प्रवाह जाएगा वो उस कलवर्ट में जब चला जाएगा और कलवर्ट से बाहर हम एक जाली लगाए होंगे तो कचरा उधर नहीं जा सकेगा, तो हम समझते हैं कि पूरी नाली की जो उड़ाही करनी पड़ती है वो भी बच सकता है और हम सिर्फ कलवर्ट को साफ करके हम जल निकासी का समाधान निकाल सकते हैं। दूसरे मुद्दा यह है कि जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात जो कर रहे हैं हमारे आज मंत्री जी भी कर रहे हैं, 158 करोड़ का नाला का निर्माण करा दिया लेकिन वाटर ड्रेनेज उस समय था नहीं, अब 183 करोड़ के वाटर ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, तो इस पर भी बिना राजनीतिकरण किए हुए सामाजिक निदान निकालने के लिए हमको इस वाटर ड्रेनेज सिस्टम को अविलंब लागू करना होगा। आज दुर्भाग्य यह है कि इस वाटर ड्रेनेज सिस्टम में को धरातल पर लाने में इतनी राजनीति हो रही है कि आप समझ सकते हैं कि आपका मुजफ्फरपुर आज जलमग्न है लेकिन वाटर ड्रेनेज सिस्टम को रोकने वाले या रुकवाने वाले या करवाने वाले ये तीनों अपनी अपनी राजनीति सेक रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए कि आपका जो सौंदर्यीकरण होनी चाहिए, जो आज अतिक्रमण देख रहे हैं आप, बहुत सारा अतिक्रमण आपको देखने को मिल रहा है, एक अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे मुजफ्फरपुर शहर के लिए। हमारे नगर विकास आवास मंत्री ने भी जब फेलियोर होते हुए अपने आप को देखे, पहले तो जल जमाव को लेकर के उन्होंने अधिकारियों को ही डांटना शुरू कर दिया, जबकि मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अधिकारी आते हैं तो सिर्फ कार्यालय तक सीमित होते हैं और उनका पहुँच सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों तक होता है, लेकिन आप यहाँ के विधायक हैं, आपकी पहुँच यहाँ के एक एक जनता तक होती है, लेकिन आपने अपनी जिम्मेवारी न लेते हुए नगर आयुक्त के ऊपर ठोक देने का काम करते हैं। वहीं पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये अभी बोल गए कि जल जमाव की जो समस्या है वो अतिक्रमण के कारण है, तो अतिक्रमण कौन करता है? आप ही की तो जनता करती है, वो जनता आपकी है। जनता और नेता के बीच में एक बाप बेटे का संबंध होता है सामाजिक तौर पर, तो जब आप अपने जनता को नहीं समझा पा रहे हैं, अतिक्रमण मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप खुद फेलियर हैं और जनता पर ठोक रहे हैं, जबकि इस अतिक्रमण का एकदम सिंपल सा समाधान है कि आप जहां तहां जो बड़े बड़े मॉल्स बनाने के लिए आप करोड़ों रुपया निकलवाते हैं, करोड़ों का फंडिंग होता है, करोड़ों का बैंक लोन होता है, सब कुछ उसमें सब्सिडी लोन होती है, लेकिन एक झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए या ये जो अतिक्रमण करके मान लीजिए बैठे हुए हैं सब्जी वाले और मछली वाले या कुछ भी छोटे छोटे जो व्यापारी काम कर रहे हैं उनके लिए आप एक ढंग से मार्केट नहीं बना पा रहे हैं, जबकि बिहार सरकार की ही ज़मीनें इस शहर के अंदर में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर ये चाहें तो एक अच्छा सा मार्केट बना सकते हैं और वहाँ पर ये सारे छोटे छोटे व्यापारी वहाँ जा करके अपना व्यापार कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अतिक्रमण खत्म हो जाएगा। और अतिक्रमण खत्म करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि जितना भी नाला आप बनाते हैं वो रोड से सटा हुआ होना चाहिए, और रोड से सटा हुआ होने के साथ साथ उन नालों के ऊपर में इस तरीके का ढक्कन लगा हो और इस तरीके से उसको बनाया जाए कि वो पैदल चलने के लिए, पद यात्रा करने वाले लोगों के लिए वो एक पैदल पथ बन सके। लेकिन आज अफसोस यह है कि यहाँ तो नाला के ढक्कन की ही चोरी हो जा रही है। हमारे नॉलेज में जहाँ तक है कि हमारे पूर्व में जो लोग रहे हैं बिहार मुजफ्फरपुर का जो नेतृत्व किए हैं उनको कई जनता ने तो यह भी कह दिया कि वो ढक्कन चोर थे, मतलब पूरा ढक्कन ही गायब हो जाता था। तो नाला का और सड़क का एक समानांतर निर्माण होना और उस पर पद सड़क का निर्माण होने से अतिक्रमण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं की जाएगी तब तक विकास का कहाँ से गंगा बहेगा। आज बियाडा का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जी ने बेला इंडस्ट्रियल एरिया को बनाने का काम किया, उसको संवारने के लिए ये लोग जो लोग भी आए, चाहे हमारे माननीय अजय निषाद जी आए हों, चाहे माननीय कैप्टन निषाद जी आए हों, कैप्टन निषाद जी तो थोड़ा सा कुछ कर भी रहे थे लेकिन जब से ये माननीय अजय निषाद जी आए हैं तब से तो वो एकदम डुबा ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी अगर आपको विरासत में मिला है जब तक उसको आप संभाल नहीं सकते हैं तो सजाने की कहाँ से बात आ पाएगी। आप कोई घर को ले लीजिए, अगर हमारे बाबा दादा ने एक हवेली बनाकर मुझे दे दिया है, मैं उसको पुचारा डेंटिंग पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली भ्रष्ट हो जाना है। तो इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि विकास के रफ्तार को तेज करना है तो हमें धरातल पर पहले आना होगा और समाजवाद तरीके से मुझे कुछ ऐसे काम को करने हैं जिसमें हम लोगों ने योजना बनाया हुआ है कि हम मुजफ्फरपुर को हम
घरेलू उद्योग का जाल बिछाएंगे, हम मुजफ्फरपुर में लहठी का हब बनाएंगे, हम मुजफ्फरपुर में लीची का हब बनाएंगे जिससे लोगों का आर्थिक समृद्धि हो, हम मुजफ्फरपुर को स्वास्थ्य केंद्र के मामले में, आज जितने स्वास्थ्य केंद्र आज हमारे मुजफ्फरपुर के अंदर में हैं उनको ही सिर्फ अगर सुचारू रूप से टाइट कर दें तो शायद हमको लगता है आज जो कोरोना में लोग झेल रहे हैं, आज देखिए दुर्भाग्य ये है कि हमारे मुजफ्फरपुर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पहले से अवेलेबल हैं, चाहे वो प्राइवेट है उससे मतलब नहीं है, हम आज कोई भी एक आपका अपना प्राइवेट जमीन जो है आपका वो सरकार की जमीन है, जिस समय जरूरत पड़ती है उस समय वो लेती है, आज इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स प्राइवेट खुले हुए हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारे मुजफ्फरपुर को कि इस कोरोना महामारी के दौर में हमें उस पताही में जा करके बेड बनाने की जरूरत पड़ रही है, उस चक्कर मैदान में बनाने की जरूरत पड़ रही है, जबकि इतने आलीशान हॉस्पिटल्स हमारे मुजफ्फरपुर के अंदर में मतलब सैकड़ों की संख्या में खुले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे और इन सब चीज़ों को विकास के मूल धारा में लेकर के जाएंगे, और मूल बात अंतिम मंत्र मेरा विकास का इतना ही होना चाहिए कि जब तक एक एक घर मजबूती के साथ आर्थिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं हो जाता तब तक मुजफ्फरपुर में हम विकास नहीं कर पाएंगे। जरूर। तो अभी आपसे आपके सामने रूबरू हैं अविनाश जी, जिन्होंने मुजफ्फरपुर की समस्या को लेकर बात किया और अपने माध्यम से जो समाधान ये सोच रखे हैं उस पर विषय भी इन्होंने बात किया है। अविनाश जी, ये आखिरी प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कोरोना की वैश्विक महामारी है, शहर के साथ पूरा विश्व भी जूझ रहा है, इस परिस्थिति में आपने जो बहुत सेवा भी की है, तो वर्तमान परिस्थिति में लोगों को बचने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वो एक बार बताएं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह जो कोरोना महामारी है, यह कोरोना वैश्विक महामारी है, इससे सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर में हम लोग ही नहीं झेल रहे हैं, हमारा देश ही नहीं झेल रहा है, पूरी दुनिया झेल रही है इस महामारी को। इसके बचाव के जो हमारे तरीके हमारे सामने आए हुए हैं उस तरीकों का अक्षरशः पालन हमें करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें समझ के ये चलना है कि हम एक आग के लपेटों के बीच में आ चुके हैं, तो वहाँ से हमको बचने के लिए जो हम रास्ता निकालते हैं कि वहाँ से पहले भागते हैं, ठीक उसी तरीके से समझ के चलना है कि यह पूरा वातावरण में हमारा कोरोना का वायरस शायद हो सकता है कहीं ना कहीं घूम रहा हो, तो हमें सबसे पहले सुरक्षित रूप से अपने घर में महफूज रहना है। अति आवश्यक पड़ने पर ही, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि अति आवश्यक पड़ने पर ही घर के युवा वर्ग ही घर से बाहर निकलें, वह भी मास्क लगा कर निकलें, और जहाँ भी जाएं वहाँ पर शारीरिक दूरी मेंटेन करते हुए वहाँ से काम ख़त्म करके जैसे ही घर पर आते हैं तो पहले बाहर में ही अपने हाथों को अच्छे से धोएं, फिर घर में जाएं, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, जब आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तभी समाज सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा राज्य और देश सुरक्षित रह सकता है। और मैं एक जिला प्रशासन के आपके चौपाल समाचार के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से एक आरजू करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस कोरोना महामारी को लेकर के मैंने शुरू से ही मतलब जनता कर्फ्यू के दिन से ही मैंने यह कहा कि यह कोरोना महामारी है, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं करूंगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही काम किया जाए जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके। तो इसको लेकर के मैं आज आपके मुजफ्फरपुर चौपाल समाचार के माध्यम से मैं जिला के प्रशासनिक पदाधिकारियों से मैं आरजू करना चाहता हूं, मैं विनती करना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी के बचाव के लिए कृपया आप एक सेवादार के रूप में अपनी कार्य योजनाओं को आगे लेकर चलें, व्यापार के रूप में नहीं, क्योंकि आज दुर्भाग्य है कि चाहे वो कंटेनमेंट जोन हो, चाहे वो किसी भी तरह का सैनिटाइजेशन का कार्य हो, या कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोई भी सरकारी पहल हो, या सारी की सारी जो हो रही है वो सिर्फ कागजों पे हो रही है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कृपया कर एक सेवाधार के रूप में यहाँ जो जनता है इस जनता की मानव सेवा आप करें, तभी जा करके हम लोगों का जान बच सकता है और आपका सम्मान बच सकता है। इस बात को हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं। जी अविनाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। दर्शकों को भी पुनः मैं एक बार कहना चाहूँगा कि
आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है, कोई बात जाननी है, तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करें। मैं पुनः इनसे मिलकर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, आप इतने देर तक बने रहे हैं। आगे भी हम इसी तरीके के सामाजिक सोच, सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति और यहाँ की जो व्यवस्था है उससे हम आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। और आगे भी हम इसी तरह के खबर को लाते रहेंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार, मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।